नमस्कार, मैं मुकेश चौहान, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो आप लोगों के कहने के अकॉर्डिंग मैं इसका पार्ट टू लेके आया हूँ। कई ऐसे आप में से स्टूडेंट थे जिन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो उनका भी मैं कन्फ्यूज़न इस पार्ट में पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिविज़न कराते हुए आगे इसको और डीपली बताता हूँ कि हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब बेस में 10 हो, मतलब बेस को हम 10 मान के चलें, 100 मान के चलें, 1000 मान के चलें, या इनमें से कुछ भी मान के चलें, और इन्हें हम बेस इसलिए मानते हैं क्योंकि बनाने में थोड़ा क्या होता है, आसानी हो जाता है। तो ये मैं पार्ट वन में कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई पार्ट वन नहीं देखा होगा तो उसे देख लेना, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था और आप लोगों कई का क्वेश्चन था कि सर 21 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं इसे कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था आपको बेस मानना है। तो अगर आप बेस 10 मानते हैं तो 10 से ज़्यादा दूर हो जा रहा है 21, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे बेस क्या मानो, बेस यहाँ पे 20 मानो। ठीक है, अब मैं वापस पुराने क्वेश्चन में जाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हम बेस 10 मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाते हैं। जब मैं बेस 10 मानता हूँ, ये है बेस, है ना, जब मैं मानता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाता हूँ। तो मान लीजिए मुझे 14 का स्क्वायर निकालना है सपोज, तो ये 10 के नज़दीक है, तो मैं बोलूँगा बेस कितना यहाँ पे 10 है, मतलब यहाँ पे कितना है, 10 है, तो पहले हमें 10 यहाँ पे एक अंक लिखना पड़ेगा, उसके बाद बची हुई संख्या लिखनी पड़ेगी। तो मैं देखूंगा कि 10 से कितना बड़ा है 14, तो बोलोगे 14 जो है 10 से 4 बड़ा है, तो आप 4 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, तो 4 चौ कितना होता है 16, हासिल आई 1, ये कैरी है। ठीक है, फिर जो 14 है वो 10 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 4 ज़्यादा है, तो इसको जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 18, हासिल कितना आया था 1, 18 और 1 कितना हो गया 19, 196। एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमें बनाना है 12 का स्क्वायर, सबको याद रहता है, तो इसी का मैं बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 से कितना ज़्यादा है, तो 10 से 2 ज़्यादा है, है ना, 10 मैंने बेस माना है, तो 10 था, तो पहले एक अंक आएगा, उसके बाद बचा हुआ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 10 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आप यहाँ लिख दीजिए, कोई भी कैरी नहीं बचा। और जो 12 है वो 10 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 12 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 14, तो ये है आंसर। इसी तरह मैंने पार्ट वन में आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का बताया था, इस सारे संख्याओं का, जैसे 100 के करीब कोई है, या 1000 के करीब कोई है, या 1000 से कम कोई है, थोड़ा सा, है ना, करीब करीब की चीज़ों को लेके हम आराम से बना सकते हैं। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। आपने पूछा कि 121 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप अगर 10 को बेस लेके बनाते हैं तो 10 से ज़्यादा दूर हो जाता है, 11 दूर हो जाता है, तो 11 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, आप क्या करो, यहाँ पे बेस किसको मान लो, 20 को मान लो। अगर मैं 20 को बेस मानता हूँ तो यहाँ भी 10 है, तो मैं एक संख्या यहाँ, एक अंक यहाँ लिखूंगा, बची हुई संख्या यहाँ लिखूंगा, तो मैं देखता हूँ 20 से 21 कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे 1। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये 20 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, मतलब 21 जो है 1 ज़्यादा है, तो 1 मैं इसमें प्लस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 22। पर ध्यान दो, यहाँ पे जब बेस 10 रहता है तो मैं इसका मल्टीप्लाई अगर 1 से कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना है 1 की जगह क्या है 2 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके साथ गुणा कर दूंगा, तो कितना आएगा 44, तो यहाँ पे आया 441, तो इसे हम लिखेंगे 441। मुझे पता है कई लोगों को अभी ये बात समझ नहीं आई होगी, 3-4 क्वेश्चन कर देते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो जल्दी 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 आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 22 ले लेते हैं, 22 का स्क्वायर। फिर मैं एक और तरीका बताऊंगा, जैसे छोटे उटे को तो मौखिक देख के ही कर सकते हैं, हालांकि ये भी कोई बुरा नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ ये जो है 20 के करीब है, 20 के कितने करीब है, मतलब 20 से 2 ज़्यादा है, तो 1 यहाँ बचा हुआ यहाँ, तो 20 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, और 20 से 2 ज़्यादा था तो इसको मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है 24,
24 को मुझे 2 से गुना करना, मतलब इसको डबल करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 का डबल 48, ये हो गया आंसर। बस समझ गए। एक और करते हैं, इसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा। जैसे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं, चलो 102 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। यहाँ 102 तो हम कर चुके हैं पिछले बार, 202 का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बेस क्या मानना चाहिए, तो यहाँ पे बेस मुझे 200 मानना चाहिए। ये देखो 200 में 2 जीरो है, मतलब पहले मुझे यहाँ पे 2 अंक लिखे हैं, बाकी बचे हुए यहाँ पे लिखने हैं, तो ठीक है। तो 200 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो यहाँ एक जीरो, हमें 2 अंक पूरे करने हैं। उसके बाद 2 स्पेस को भरना था। इसके बाद मुझे ये देखना है कि 200 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, मतलब ये कितना हो रहा है, 204। 204 का मुझे डबल करना है, तो ये कितना होगा, 408। ये आ गया मेरा आंसर तुरंत। क्लियर है? इसी तरह कम भी है तो उसे भी हम कर सकते हैं। देखिए, और छोटे छोटे अगर नंबर हैं, बड़े बड़े कितने भी नंबर हों, आप उसी तरह इसे डबल करके, अगर 30 के करीब है तो आप, या 300 के करीब है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जैसे छोटे छोटे नंबर होते हैं उनको हम और भी एक तरीके से कर सकते हैं, उसको देखो कि कैसे। ये तो करीब वाले चीज़ आप समझ गए होंगे। एक आपने फार्मूला पढ़ा है, इसी के बेस्ड है, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए मुझे 12 का स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर निकालना है, देखना सेकंडों में निकलेगा, थोड़ा सा एक बार समझ जाइए। 12 का स्क्वायर निकालना है तो इस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो 12 हो गया, इसका मतलब है इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो आप देखो मैं a की जगह क्या लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी लिया था मैंने, 10, b की वैल्यू मैंने कितना ले लिया था, तो बोलोगे 2 प्लस b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। हमको ऐसा कुछ करना नहीं है, आप टेंशन मत लो, बस मैं समझा रहा हूं कि होता कैसे है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो बोलोगे 100, ये बोलोगे 10 दूनी 20, तो ये हो गया 2 गुणित 20, ठीक है, और ये प्लस कितना हो गया, 4, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना मैं जो बोलने वाला हूँ, जिस भी संख्या का, छोटे छोटे संख्याओं का हम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 12 का स्क्वायर है ना, तो जब आपको पता है इसको जब सॉल्व करोगे तो कितने वाला आने वाला है, 20, यहाँ पे 40 और 4 144 आने वाला है। पर हमको इतना लेंदी सॉल्व नहीं करना, एक्चुअली देखोगे तो तीन पार्ट में है, एक पार्ट ये बीच वाला, दूसरा पार्ट ये, दूसरा पार्ट और ये बचा हुआ जो है तीसरा पार्ट इधर का। तो करना क्या होता है, जो इकाई अंक में है उसका स्क्वायर करते हैं, उसके बाद इन दोनों का गुणा करते हैं, देखो ए और बी का, और उसको डबल कर देते हैं, जो भी आता है कैरी वगैरह उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं और ए का फिर से स्क्वायर कर देते हैं। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, सेम चीज़ को शॉर्ट में बता रहा हूँ कि देखो कितनी जल्दी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर मैं तीन चार कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड, जो बहुत काम आते हैं एग्जाम में, और फिर हम आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो देखो ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जैसे आपने 21 वगैरह छोटी छोटी चीज़ों का आप पूछ रहे थे, वो तो ऐसे ही मौखिक तौर पर हो जाता है। जब बड़े बड़े नंबर लेने होते हैं तो हम ये बेस ले लेके बनाते हैं, जैसे कि मैं भी आपको 12 का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, 12 में हम इसको तीन भाग में बांटेंगे, ऐसे पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 2 है इसका स्क्वायर मैं यहाँ पे करूँगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 4, हो गया। उसके बाद ये जो दोनों संख्या है इन दोनों को मैं आपस में गुणा करूँगा और उसको डबल करूँगा, तो इन दोनों को मैं आपस में गुणा करके इसको डबल करूँगा, तो 2 एकम 2 और उसका डबल कितना होता है, 4, इतना हुआ। उसके बाद लास्ट में जो ये 1 है, यहाँ जो भी संख्या है इसका फिर से मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा और यहाँ लिखूँगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो मेरा आंसर कितना आया, 144, ठीक है। चलिए और देखते हैं,
जैसे 13 का स्क्वायर करना है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक वाले का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो 3 एकम 3, और डबल करना है तो क्या होगा 3 एकम 3 और 3 का डबल 6, ये लिख दिए। उसके बाद ये जो एक बचा है इसका स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। और देखते हैं छोटे छोटे नंबर का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर क्या है, तो सबसे पहले ये 4 का स्क्वायर, 4 चौं 16, तो मैं पूरा 16 नहीं लिखूंगा, 6 लिखूंगा, कैरी 1। फिर इन दोनों का आपस में स्क्वायर होगा, गुणा होगा, तो 4 एकम 4 और उसका डबल कितना 8, कैरी 1 था 9, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 196। 15 का देख लो, हालांकि मैं 5 का भी सिखाने वाला हूँ अलग से, ये स्पेशल केस है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का 5 हासिल आई 2, ओके आपस में गुना करो, 5 एकम 5 उसका डबल, 5 का डबल 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल आई 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 2, देखो बन रहा है आराम से। वैसे ही आप 21 का स्क्वायर करना है, क्या करोगे 1 का स्क्वायर 1, आपस में गुना करो 2 एकम 2 और उसका डबल कितना हुआ 4, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4, देखो बन रहा है जल्दी जल्दी। जैसे मुझे 32 का स्क्वायर करना है तो क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 दुनी 6, 6 का डबल 12, 12 का 2 हासिल आई 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। वैसे ही मान लीजिए मुझे करना है, चलो यहाँ ले लेते हैं 34 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, तो क्या करोगे 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हासिल आई 1, आपस में गुणा 4 दिया 12, 12 का डबल 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हासिल आई 2, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9 और 2 10 और 1 11, देखो आ गया सर, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जो होते हैं उनको ऐसे ही कर सकते हैं, जब वो 1000 के पास जाए, 100 के पास जाए, ऐसे संख्याओं के लिए मैंने आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ कि क्या करते हैं और बेस को क्या मानना है। अब हम आगे देखेंगे कुछ स्पेशल केस हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जल्दी से स्पेशल केस देख लेते हैं। थोड़ा आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए तो स्पेशल केस देखते हैं कुछ। वर्ग निकालते समय जब इकाई अंक में 5 हो, मतलब कि जैसे कि ये 5 का स्क्वायर निकालना हो, 15 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर निकालना हो, किसी भी संख्या का, जैसे आप यहाँ पे एक और ले लेते हैं 65 का स्क्वायर निकालना हो, 55 का स्क्वायर निकालना हो, किसी भी संख्या का, 75 का स्क्वायर निकालना हो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप ले सकते हैं, उसकी इकाई में क्या हो 5 हो, तो आपको क्या करना है ध्यान दो, बहुत सरल है ये, बहुत सरल है। जब इकाई में 5 हो तो ये तो अकेले 5 है, तो क्या लिख दोगे 25। यहाँ इकाई में 5 मिला तो इस 5 के बदले में क्या जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कर दिए। ये जो एक बचा है इससे बड़ी संख्या क्या होता है 2, इसको गुना कर दो, 2 एकम स्पेशल केस है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इससे बड़ी संख्या क्या आएगी 3, 2 से बड़ी संख्या 3, 3 दुनी 6, ये देखो आगे ये सब याद ही होगा आपको, ये 5 का स्क्वायर मतलब 25, ये 3 है, 3 से बड़ी संख्या 4, 4 दिया 12, सेम अब आप बनाओ इसको 25, 4 से बड़ी संख्या 5, 5 चौं 20, कोई भी आपसे पूछे तुरंत कर सकते हो, ये हो गया 25, 6 से बड़ी संख्या 7, 7 का गुना करो 6 से, तो इस तरह सारे नंबरों को अब आपको क्या करना है ये बना लेना है, ठीक है, कुछ भी आपको दे आप तुरंत उसको बना सकते हैं। तो ये मैंने एक केस बताया है 5 को लेके, ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसके बाद दूसरा एक स्पेशल केस बताता हूँ, वो काम आएगा आपके। एक दूसरा स्पेशल केस है ये, आप देख रहे हैं यहाँ पे जब हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी का भी इनमें से सीरीज मिल जाए, सीरीज मतलब जैसे कि ये देख रहे हो
एक और एक, एक एक एक, मतलब 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, इस तरह का सीरीज मिले तो ये बहुत सरल होता है बनाना। इसको हम किसी के करीब से ना बनाते हुए, दूसरे मेथड से ना बनाते हुए, इस तरीके से बनाना जल्दी आंसर हमें देता है। हम देखेंगे कितनी संख्या है, कितने अंक हैं, एक अंक दो अंक। तो हम शुरू करेंगे जैसे हमेशा राइट साइड से सॉल्व करते हैं, शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक, उसके बाद दो, दो संख्या था तो मैक्सिमम कितना होगा दो, उसके बाद इससे कम हो जाएगा 121। देखो एक दो, उसके बाद फिर बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में इसको लिख देना, आंसर हो गया। अगर मुझे इसको बनाना है, इसको क्या बनाऊंगा, ध्यान दो, तीन संख्या है तो एक दो तीन होगा, उसके बाद दो और एक होगा, मतलब यहाँ पे एक दो तीन फिर दो फिर एक, समझ रहे हैं। मैक्सिमम कितना था, एक दो तीन था, तो मैक्सिमम कितना आया, तीन, एक दो तीन फिर दो और एक। उसी तरह यहाँ पे देखो एक कितने बार है, चार बार है, तो कैसे लिखोगे, वन टू थ्री फोर, उसके बाद थ्री टू वन, ये आपका आंसर। अगर आपको दे देता क्वेश्चन में वन 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 का स्क्वायर बताओ, तो वन कितने बार है, एक दो तीन चार पांच बार है, तो इसका क्या लिखोगे आप, वन टू थ्री फोर फाइव फोर थ्री टू एंड वन, ये आंसर है, समझ गए। तो इस तरह आप सिर्फ इन्हीं संख्याओं का नहीं, इससे आप और भी बहुत सारी संख्याओं को बना सकते हैं जो इस पैटर्न में बने, समझ रहे हैं आप। तो चलिए उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा मेरे ख्याल से, गर्मी बहुत है। चलिए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ दिया है 22 का स्क्वायर, वैसे 33 का हो सकता था, 44 का हो सकता था, 55 का हो सकता था, समझ रहे हैं मेरी बात को। उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जैसे यहाँ 222 दिया है तो 333 भी हो सकता है, यहाँ दिया है 2222 तो हो सकता है यहाँ पे हो कितना, 3333 हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो पूरी सीरीज को आप बना लेना, मैं इसको बस एक समझा देता हूँ, दो तीन क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 × 11 गुणित 2 कितना होगा, 22 हो जाएगा, और मैं इसका स्क्वायर लगा दिया, लिख सकता हूँ ऐसे। और इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर गुणित 11 का स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, 4 गुणित 11 का स्क्वायर। और आपको पता है कि 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर आ गया, 1-1 का जो सीरीज आ रहा है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं 1 2 1, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है, बस समझ रहे हैं। तो इसको आप इधर लिखो या उधर लिखो, बात एक ही है, इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ गुणित 4, ईजी लगता है थोड़ा देखने में। तो आंसर क्या आएगा भाई, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और 4 × 1 = 4, हो गया आंसर। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां देखो यहां क्या होगा, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है, 4 का गुणा होगा, ऐसे लिख लो, गुणा होगा 4 का, तो यहां क्या बनेगा, 1 2 3 2 1, ये बनने वाला है। तो सेम गुणा कर लो, यहां से क्या होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, हासिल का 1, फिर 4 × 2 = 8 और 1 = 9, फिर 4 × 1 = 4, ये तुरंत। तो ये जल्दी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहूंगा इसका आंसर आप खुद बनाएंगे, तो इस तरीके से हम क्या है, स्क्वायर को आराम से जल्दी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये हमारे एकेडमी का नाम है और ये हमारा नंबर है, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लोगों तक शेयर करें आप। फिर हम आपको मिलेंगे कुछ नया लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।